हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे हाफ वेव एंड फुल वेव। फुल वेव में भी दो हैं हमारे पास, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। इनमें से आपका चाहे जेई का एग्ज़ाम हो या एई का एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन श्योर आएगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी एवरेज वैल्यू या डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो कितना आएगा। देखो, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में यह आएगा वी एम अपॉन पाई, और फुल वेव में चाहे सेंटर टैप हो या ब्रिज हो यह आएगा 2 VM/π। आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि हाफ वेव में एवरेज वैल्यू कितनी आएगी आउटपुट के, 2 VM/π, और फुल वेव में 2 VM/π आएगी, चाहे सेंटर टेप हो या ब्रिज हो, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी। देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर में तो आएगी VM/2, ठीक है, और सेंटर टेप में आएगी VM/√2, और ब्रिज में भी आएगी VM/√2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम फैक्टर की। देखो, फ्रॉम फैक्टर क्या होता है, हाँ ये रहा। देखो, फ्रॉम फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू VM/2 हो गई हाफ वेव के लिए, और एवरेज वैल्यू क्या हो गई, VM/π। तो कितनी आ जाएगी, 1.57 आ जाएगी लगभग, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सेंटर टेप और ब्रिज में कितनी वैल्यू आएगी फ्रॉम फैक्टर की। तो आरएमएस वैल्यू में एवरेज वैल्यू का भाग दे दो। देखो, ये रही इसकी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, तो ये तो रही इसकी आरएमएस वैल्यू। तो VM/√2 में को डिवाइड करेंगे अपन एवरेज वैल्यू से, 2 VM/π से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.11। तो जो भी फ्रॉम फैक्टर होगा, चाहे सेंटर टेप हो या ब्रिज हो, इनका कितना होगा, 1.11, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि हाफ वेव के लिए तो कितना होता है फॉर्म फैक्टर, 1.57 होता है, ब्रिज के लिए 1.11, और सेंटर टेप के लिए भी 1.11 होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिपिल फैक्टर की। तो रिपिल फैक्टर क्या होता है, अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। तो देखो, हमने क्या किया, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 करेंगे, तो रिफिल फैक्टर आ जाएगा जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना आएगा, 1.21, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 0.482, और सेंटर टेप के लिए भी 0.482, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं इसके बाद, हाँ रिफिल फैक्टर की हमने बात कर ली। इसके बाद इफिशियंसी की बात करते हैं। तो इफिशियंसी आती है डीसी पावर अपॉन एसी पावर, मतलब एवरेज पावर अपॉन आरएमएस पावर। तो ये तो आएगी हाफ वेव के लिए 40.53%, 40.53%, और फुल वेव सेंटर टेप और ब्रिज दोनों के लिए आएगी 81.06%, 81.06%, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं PIV, पीक इन्वर्स वोल्टेज। मतलब जब भी डायोड रिवर, जो भी हमारा जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है, मतलब मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज जिस पर हमारा डायोड स्टैंड कर सकता है, उसको बोलते हैं PIV। तो PIV कितनी होती है, हाफ वेव के लिए तो VM होती है प्रत्येक डायोड में। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें प्रत्येक डायोड लगा होगा, उसके लिए PIV कितनी चाहिए हमें, VM चाहिए, और सेंटर टेप में 2 VM चाहिए, और फुल ब्रिज में VM चाहिए। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सेंटर टेप का, कि इसमें जो भी डायोड चाहिए हमें उसकी PIV कितनी होनी चाहिए, पीक इन्वर्स वोल्टेज 2 VM होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, सेंटर टेप का। जो भी सेंटर टेप ब्रिज रेक्टिफायर है हमारे पास, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे प्रत्येक डायोड की PIV कितनी होनी चाहिए, 2 VM होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यही डिफरेंस होता है ब्रिज में और सेंटर टेप में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो देखिए, पीक फैक्टर निकाल, पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू,
जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो हाफ वेव ब्रिज हाफ वेव के लिए तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो गई, वीएम अपॉन टू, तो कितना आ गया, टू आ गया। देखो ये आ गया टू आपके पास हाफ वेव के लिए, और फुल वेव के लिए क्या जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू वीएम और वीएम बाई आरएमएस वैल्यू वीएम बाई रूट टू, तो ये वीएम से वीएम कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट टू। ठीक है, तो इसकी जो भी आपके क्रस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर कितना जाएगा फुल वेव के लिए, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, चाहे सेंटर टेप हो, ये सेंटर टेप के लिए ब्रिज के लिए सेम ही आएगा। देखो नंबर ऑफ डायोड कितने यूज़ कर रहे हैं हम, हाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाफ वेव में, तो हाफ वेव में सिंपल एक डायोड यूज़ करना है हमें, ऐसे यहाँ पे लोड लग जाएगा, और सेंटर टेप में दो डायोड यूज़ करने हैं, देखो ऐसे एक डायोड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा, यहाँ पे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर आ जाएगा, और यहाँ पे एक डायोड आ जाएगा। कितने डायोड यूज़ करेंगे, टू डायोड यूज़ करेंगे, और जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें कितने डायोड यूज़ करेंगे, चार डायोड यूज़ करेंगे ऐसे। कितने डायोड यूज, चार डायोड यूज़ करेंगे, जैसे चार डायोड यूज़ करेंगे इसमें, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं इसका डायग्राम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। ठीक है, इसके बाद जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी, रिपल फ्रीक्वेंसी होगी, वो कितनी होगी, देखो हाफ वेव में तो कैसे होगी, जैसे ये हमारा इनपुट है तो हाफ वेव में तो क्या आएगा, ओनली इतना आएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, देखो अगर इनपुट की एफ फ्रीक्वेंसी है तो इसकी भी एक साइकिल क्या हो गई, एफ हो गई, इसके बाद वापस रिपीट होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, एफ ही होगी। और फुल वेव में क्या होगा, फुल वेव में फुल वेव प्राप्त होगी हमें, देखो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2f हो गया, देखो पाई बाई टू में फुल साइकिल आ गई, फिर नेक्स्ट पाई बाई टू में फुल साइकिल रिपीट हो गई, इसका मीन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2f आएगी, तो फुल वेव में फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, डबल आएगी, और रिपल फ्रीक्वेंसी और हाफ वेव में f आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सब पैरामीटर आपको याद रखने हैं, जो भी आपका जेई एई का एग्ज़ाम होगा या कोई भी अदर एग्ज़ाम होंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मैं और ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होंगे। थैंक यू सो मच।